वेलकम टू बल्लेबाजी प्रेजेंट्स क्रिकेट फैंटेशिया। क्या आपको पता था कि दावेद मलान नंबर वन आईसीसी रैंक टी20 प्लेयर हैं? क्या आपको ये भी पता था कि ओएन मॉर्गन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं? जैन 2019 से आज तक हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 में ओएन मॉर्गन की है। 230 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, कमाल के फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं वो आपको। क्या आपको ये भी पता था कि क्विंटन डकॉक 10 मैच खेल चुके हैं न्यूलैंड्स केप टाउन में, जहां आज मैच होने वाला है, एक भी 50 नहीं है उनके नाम पे, जबकि टीम उनकी 190 भी मार जाती है कभी कभी। ऐसी कमाल के मैं आपको फैंटेसी टिप्स और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, अलॉन्ग विद निकी आर्थर जो एक वर्ल्ड रेनाउंड कोच है, अभी श्रीलंका के नेशनल कोच है वो। मैं आपको बताऊंगा बल्लेबाजी ऐप पे कैसे बनाते हैं अपनी टीम और जीतते हैं लॉट्स ऑफ कैश और करते हैं आप लॉट्स ऑफ ऐश। देखते रहिए क्रिकेट फैंटेशिया। बल्लेबाजी.com presents क्रिकेट फैंटेशिया। स्वागत है आपका बैक इनटू द नंबर वन शो ग्लोबली जो आपको बताता है फैंटेसी पॉइंट्स कैसे जीतते हैं। आज हम कवर करेंगे इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज। ये 3-पार्ट सीरीज है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कुछ कैसे कमाते हैं हम फैंटेसी पॉइंट्स अगर हम खेल रहे हैं बल्लेबाजी.com के प्लेटफॉर्म पे। करिए ऐप को डाउनलोड और कमाइए लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स कमाने के लिए। और अगर आपको कैश जीतना है, आपको चाहिए लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो दूंगा मैं आपको। दिल थाम के रहिए, स्टार्ट करते हैं हम मिकी आर्थर की पिच रिपोर्ट के साथ जो अब है आपकी स्क्रीन पे। हाय, दिस इज मिकी आर्थर विद माय असेसमेंट ऑफ न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, द मोस्ट पिक्चरेस्क ग्राउंड इन ऑल द वर्ल्ड। जनरली पिच वेरी गुड, विल अलाउ समथिंग फॉर द बॉलर हु बेंड्स हिज बैक, देयर विल बी समथिंग ऑन ऑफर विद द न्यू बॉल। However, as the game progresses and the ball gets a little bit softer, there will be a little bit of turn on offer. The ball will grip and turn for the spinner as well. So generally, very good pitch. A bat first wicket, I would say. Boundaries, square the wicket, good hits. Decent distance, square the wicket. However, the boundaries straight are fairly short. So you'll see bowlers using their technique of getting the ball into the wicket to be hit square, particularly at the back end of the innings, to protect those straight short boundaries. When there is a little bit of cloud cover over the mountain, the ball will swing and seam a little bit, and generally when the wind blows over the Wynberg end, which is the change room side, that is known as a swinging wind. Generally, you win the toss there and you bat. That's because under floodlights, the ball just generally seems to do a little bit more. A great game will in store at Newlands though for us. So thank you Mickey, आपने हमें बहुत बताया। व्यूअर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसे समझना किसको पिक करना है, उसके मुताबिक अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टैट कि लास्ट 5 T20s में क्या हुआ है। आप देखिए हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको बहुत ऑब्वियसली एक चीज दिखाई देगी कि जो टीम पहले बैट करती है वो 170-180 रन डेफिनेटली मारती है। ये मैच होता है जो मिकी ने भी आपको भी स्क्रीन पे बोला कि बैटिंग फर्स्ट बेटर रहता है क्योंकि लाइट के अंडर ना बॉल थोड़ी मूव ज्यादा करती है। अगली चीज जो बहुत क्रिटिकल है मैं टच करना चाहूंगा इसी के साथ, वो है पावर प्ले रिपोर्ट जो हमारी है। जो टीम पहले बैट करती है वो मारती है 54 रन्स, लूज करती है सिर्फ एक विकेट। इसका मीनिंग है अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स कमाना चाहते हैं बल्लेबाजी के प्लेटफॉर्म पे तो डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट टीम को चुनिए, क्योंकि अगर आप बैटिंग टीम सेकंड को चुनते हैं तो उनके स्टैट्स भी आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, उसमें आप देखेंगे कि 43 रन्स ही आते हैं एज कंपेयर टू 54 और 1.4 विकेट्स गिरती हैं। तो विकेटें भी ज्यादा गिर रही हैं, रन भी कम आ रहे हैं बैटिंग फर्स्ट टीम से। जब फाइनल टीम अनाउंस होती है डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट से लीजिए अपना आप प्लेयर। अब मैं आपको बताता हूं प्लेयर रिकॉर्ड्स के बारे में इस पर्टिकुलर मैच में जो खेलेंगे। हमारी स्क्रीन पे देखिए जो पहले प्लेयर है वो है डेविड मिलर। डेविड मिलर बल्लेबाजी की ऐप पे आ रहे हैं 8.5 पॉइंट के, लेने लायक तो है, मगर एक चीज बहुत जरूरी है जाननी कि उन्होंने 10 मैच में अभी तक
एक भी 50 का स्कोर नहीं मारा है यहाँ पर। अब हमारी स्क्रीन पे क्विंटन डकॉक, उन्होंने भी अपने 4 मैचों पे जो उन्होंने खेले आज तक 50 रन भी नहीं मारे। फिर मैं लेना चाहूंगा फाफ डुप्लेसी को, जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वर्ल्ड ओवर, 9.5 पॉइंट के आते हैं आपके बल्लेबाजी ऐप पे, मगर उन्होंने भी आज तक एक ही 50 प्लस स्कोर मारा है इतने हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे। पता नहीं इसकी क्या रीजन हो सकती है, मगर आपका जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कर रहे हैं प्लेयर्स पे। इसी के साथ मैं एक और स्टैट देना चाहूंगा जो है एक बोलर, वो है रबाडा। रबाडा ने 9.45 की एवरेज से यहां पर बॉल डाली है अपने पिछले 5 मैच में, विकेट भी नहीं लिए ज्यादा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनके लिए भी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है ये। तो ये तो थे हमारे ग्राउंड के प्लेयर रिकॉर्ड। नाउ वी गोना मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो है बैटिंग का फॉर्म गाइड। फॉर्म गाइड में सबसे पहले मैं लूंगा दाविद मलान को। दाविद मलान बल्लेबाजी ऐप में आते हैं 9 पॉइंट के, बहुत अफोर्डेबल प्लेयर है, ICC नंबर 1 रैंक प्लेयर है वो अभी T20 क्रिकेट में, क्या आपको ये पता था? उन्होंने अपने पिछले 16 इनिंग्स में 8 50 प्लस स्कोर मारे हैं, जिसमें से 100 भी रह चुका है। नो वंडर वो अभी ICC के नंबर 1 प्लेयर है। अगला प्लेयर मैं लूंगा बेन स्टोक्स। आपने IPL में तो डेफिनेटली उनको देखा होगा, बल्लेबाजी ऐप में वो आते हैं 9.5 पे, डेफिनेटली अफोर्डेबल है। वैसे साइड गेम्स में सुनने में आया है कि वो नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे जब वो इंटर इंग्लैंड टीम मैचेस खेल रहे थे। अब हमें ये नहीं पता कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट करेंगे कि नहीं, इतना तो पक्का जाहिर किया गया है कि जॉस बटलर विल डेफिनेटली ओपन, शायद ये नंबर 3 खेल भी सकते हैं। अगर खेल गए 9.5 पे कमाल के पिक है, बिकॉज एक 100 मारा है और एक उसी के बाद सीधा 50 मारा था इन्होंने IPL में। अगला लेते हैं फॉर्म गाइड में जेसन रॉय को। 9 पॉइंट्स के आते हैं बल्लेबाजी के ऐप पे, डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए उनको लेने के लिए, क्योंकि T20 ब्लास्ट में जो इंग्लैंड में होता है पिछले 5 मैच में उन्होंने मारे 3 50 के स्कोर, डेफिनेटली खेलने वाले हैं, ओपन करेंगे वो इंग्लैंड के लिए, टेक हिम इन योर टीम। अगले मैं लूंगा फॉर्म गाइड पे टेम्बा बबूमा को। 8.5 के आ रहे हैं, बहुत सस्ते हैं ऐप पे, मगर उन्होंने पिछली जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की, इंग्लैंड में उन्होंने कमाल के स्कोर जड़े थे। ही स्कोर्ड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 153 द लास्ट टाइम दीज टू टीम्स मेट, तो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे वो, बहुत बड़ा गैप हो गया है, कहीं और दिखे नहीं है, मगर अदरवाइज फॉर्म गाइड कंट्री वाइज उनकी बहुत अच्छी है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, दो नाम मैं लेना चाहूंगा जो साउथ अफ्रीकन है, क्विंटन डकॉक और साथ में फाफ डुप्लेसी। ये दोनों प्लेयर कमाल के फॉर्म में है। क्विंटन डकॉक ने तो मुंबई इंडियंस के साथ ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है और उन्होंने तो इस साल 500 रन का भी आंकड़ा क्रॉस कराया एट द IPL, 503 रन मारे हैं, मगर उनसे ज्यादा पीछे नहीं है CSK के फाफ डुप्लेसी, जिन्होंने 449 रन मारे इस ईयर। उनकी टीम नहीं अच्छा करी, मगर वो क्रैकिंग फॉर्म में है, डेफिनेटली वर्थ अ कंसिडरेशन अपनी टीम में जब बल्लेबाजी पे आप बनाएंगे टीम। तो ये तो हमने करी थी बात हमारे बैट्समैन के बारे में जिनका हम फॉर्म गाइड चेक कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बोलर्स के बारे में और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट से बेटर क्या बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी विकेटें नॉर्मली गिरती हैं T20s में राइट एट द एंड जब बैट्समैन स्लॉगिंग ओवर में मार रहे होते हैं। आइए चेक आउट करते हैं कौन से हैं वो बोलर्स। आइए पहले बात करते हैं सबसे पहले हम रबाडा के बारे में। रबाडा 9 पॉइंट्स के आपको मिलेंगे बल्लेबाजी ऐप पे, डेफिनेटली उनको टीम में लीजिए, बिकॉज उन्होंने 30 विकेटें ली हैं इस प्रीवियस IPL में। 20 विकेट्स आउट ऑफ द 30 आई थी डेथ ओवर्स के टाइम पे जब बैट्समैन स्लॉग कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा परचेज होगा आपके लिए। इनको फॉलो करूंगा मैं विद लुंगी एंगिडी जो 8.5 के हैं, बहुत अफोर्डेबल है आपकी ऐप पे। जानना ये भी जरूरी है उन्होंने अपने पूरे करियर में आज तक 24 विकेट्स ही ली हैं, मगर उसमें से 13 विकेटें जो आई हैं डेथ ओवर्स में आई हैं। अब चलते हैं हम इंग्लैंड की तरफ, जिसमें क्रिस जॉर्डन जो उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं वो खेलेंगे वहां पर। उन्होंने अपने करियर में लिए हैं 63 विकेट्स, जिसमें से 36 विकेट्स जो उन्होंने लिए हैं वो है डेथ ओवर्स में, तो वो भी एक बहुत कमाल का परचेज बन सकते हैं एट 8.5। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर श्योर है जोफ्रा आर्चर। सिर्फ 9 अंक के मिलेंगे आपको बल्लेबाजी ऐप पे, डेफिनेटली उनको लिया जा सकता है अपनी टीम में, बिकॉज उन्होंने 144 विकेट्स लिए हैं अभी तक T20 करियर में अपने, 66 उन्होंने लिए हैं डेथ में। इनफैक्ट पावर प्ले में भी वो काफी विकेट लेते हैं जैसे आपने IPL में अभी देखा है,
उनको डेफिनेटली टीम में लीजिए। तो ये तो थे हमारे डेथ ओवर बोलिंग स्पेशलिस्ट। अब हम चलेंगे मैचअप्स की तरफ, जिसमें हम बड़े क्रिटिकल मैचअप लेने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर सबसे पहला नाम लूंगा मैं ओन मॉर्गन का, जो कप्तान है इंग्लैंड के इस समय। 9 पॉइंट पे आपको अवेलेबल है अपनी ऐप पे अभी वो। अगर वो फेस करते हैं लुंगी एंगिडी को, जो 8.5 पे है अवेलेबल ऐप पे आपकी, तो उन्होंने 10 बॉलों में 32 रन्स मारे हैं लुंगी एंगिडी को आज तक। कमाल की बात है, अभी तक वो उनसे बिल्कुल डिसमिस नहीं हुए हैं और 4 छक्के मार चुके हैं वो एंगिडी को। एडवांटेज मॉर्गन। एक और कमाल का मैं आपको अब देने वाला हूं स्टैट। अगर मॉर्गन रबाडा को खेलते हैं, जो भी 9 अंक के हैं वहां पर ऐप पे, उन्होंने 17 बॉल में, सुनिए ये ध्यान से, 17 बॉल में 50 रन मारे हैं मॉर्गन ने रबाडा को, जिसमें 6 छक्के इंक्लूडेड हैं। आज तक डिसमिस नहीं हुए वो रबाडा से, एडवांटेज मॉर्गन। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्विंटन डकॉक के बारे में। आप जो 10 पॉइंट्स पे अवेलेबल है आपको आपके ऐप पे, वो अगर बैटिंग करते हैं मार्क वुड के अगेंस्ट, उन्होंने आज तक 10 बॉल में 30 रन मारे हैं, एक बार डिसमिस हुए हैं और 3 छक्के इंक्लूडेड हैं इसमें। दैट इज डेफिनेटली एडवांटेज क्विंटन डकॉक। अगर वो खेलते हैं मगर जोफ्रा आर्चर को, तो 29 बॉल्स में 48 रन मारे हैं उन्होंने, मगर 2 बार डिसमिस भी हुए हैं वो उनसे। तो दिस कैन बी एन इवन बैटल बिटवीन द टू, किसी का पल्ला भारी नहीं है यहाँ पर। तो ये तो थे हमारे मैचअप जो बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं, मगर अब हमारा फाइनल सेगमेंट है बजट पिक्स के ऊपर। सबसे पहले बजट पिक है मेरे टेम्बा बबूमा। पूरी दुनिया एक्चुअली बबूमा को सोचती नहीं है एज अ T20 प्लेयर, मगर मैं आपको 3 स्कोर देने वाला हूं अब। उन्होंने मारे अपने पिछले टूर में अगेंस्ट इंग्लैंड जो इसी साल हुआ था, 43, 29 एंड 49, और ये सारे रन उन्होंने मारे हैं 150 की स्ट्राइक रेट पे। 8.5 के आपके आ रहे हैं वो कॉस्ट पे, बल्लेबाजी के ऐप पे। अगर आप उनको लेते हैं तो कमाल का पिक बन सकता है ये। एक और बजट पिक मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है सैम करन। सभी जानते हैं कि CSK में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, बॉल के साथ भी एज अ लेफ्ट हैंडर एंड विद द बैट। 8.5 के आ रहे हैं इस ऐप पे। अगर वो खेल रहे हैं, ही कैन बी अ ब्रिलियंट पिक फॉर यू टू टेक। तो ये तो थे मेरे बजट पिक्स।